अटकने से एक इनकी नींद तो जरूर उड़ गई होगी। राजनीतिक दलों को दाग पसंद है, देश की जनता को भी शायद दाग पसंद है, तभी तो देश में दागी नेताओं की कमी नहीं। संसद में 162 दागी सांसद तो अलग अलग राज्यों के 1450 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तलवार अगर फौरी तौर पर किसी पर लटक रही थी तो वो हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रशीद मसूद। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले का मामला चल रहा है, इस मामले में फैसला 30 सितंबर को आना है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उन्हें सजा मिल सकती है। कांग्रेस सांसद रशीद मसूद की बात करें तो 20 साल पुराने एक मामले में वो फंस चुके हैं। अदालत ने उन्हें मेडिकल कॉलेज की सीट अवैध तरीके से बांटने के मामले में दोषी ठहराया, उनकी भी सजा का ऐलान बाकी है। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकारी फैसले का विरोध किया है और अध्यादेश को फाड़ कर फेंक देने की बात कही है, उससे लालू और राशिद मसूद सरीके नेताओं की फिक्र फिर से बढ़ना लाजमी है। तो क्या राजनीति से दाग धोने की सुप्रीम कोर्ट की कोशिश नाकाम नहीं रहेगी? आइए आपको दिखाते हैं राजनीति में दाग लेकर जमे हुए कुछ ऐसे ही चेहरे। अमित शाह नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ और गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस के अहम आरोपी 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा, केस अभी भी चल रहा। जगनमोहन रेड्डी आय से अधिक संपत्ति का मामला 16 महीने बाद मंगलवार को जेल से छूटे, सीबीआई इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बीएस येदुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री पर गैर कानूनी खनन मामले में अदालत में केस चल रहा, फिर से बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। ए राजा पूर्व दूर संचार मंत्री और डीएम के सांसद फिलहाल जमानत पर हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोप तय हो चुके हैं। सुरेश कलमाड़ी पुणे से सांसद कलमाड़ी पर कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप, 2011 में गिरफ्तार हुए और 9 महीने तिहाड़ जेल में रहे, अदालत में केस की सुनवाई चल रही। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि कानून की नजर में सांसद विधायक और आम आदमी के बीच कोई फर्क नहीं है। दोषी पाए जाने और सजा मिलने के बाद सदस्यता को लेकर विधायक या सांसद को किसी तरह का आवेदन नहीं मिल सकता, लेकिन सरकार की नजर में यह फैसला गलत था। अब क्या राहुल के विरोध के बाद यह फैसला बदला जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। चलो तो इस बड़ी सियासी खबर को हम लगातार ट्रैक करेंगे, फिलहाल रुकेंगे हम चंद सेकंड्स के एक छोटे से ब्रेक के लिए।